हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यू को एच बी प्लस टैबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, को एच बी प्लस टैबलेट एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसमें 5 कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा फेरस फ्यूमरेट, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, कॉपर और डोकोसेट सोडियम। इसमें जो फेरस फ्यूमरेट है जो कि आपके बॉडी में जो होता है आयरन की कमी को पूरा करता है और नई आरबीसी और हीमोग्लोबिन के निर्माण करता है। इसमें जो फॉलिक एसिड है ये क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। ये भी आरबीसी का रेड ब्लड जो कोशिका है, लाल रक्त कण है, कोशिका है, उसको निर्माण करता है। और प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में पड़ रहे बच्चों के मस्तिष्क शरीर के की हड्डी के विकास के लिए भी जरूरी होता है। और इसमें जो साइनोकोबालामिन है जिसे विटामिन B12 बोला जाता है, ये बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। और बॉडी को तो हेल्दी रखता ही है और साथ में जो है इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनेमिया हो जाता है, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनेमिया होने से भी रोकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रॉब्लम होने से भी रोकता है। और इसके अंदर जो कॉपर है ये क्या करता है, तो कॉपर जो होता है ये जो बोन को, हार्ट को, किडनी और लीवर को हेल्दी रखने में मदद करता है। और कॉपर के कारण बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण जो होता है जल्दी होता है। इसके अंदर डोकोसेट सोडियम है जो कि एक प्रकार का लैक्सेटिव है जो आंत में मल द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जो पानी की मात्रा उसको बढ़ाकर काम करता है। और स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, यानी स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है, स्टूल को सॉफ्ट बनाता है जिसके कारण स्टूल जो है पास होने में आसानी होता है। और यह टेबलेट जो है कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो 148.50 रुपया है, 148 रुपया है, लेकिन ये एक प्रकार का जेनेरिक मेडिसिन है तो आपको ये सस्ते में ही मिल जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का टैबलेट आता है, ये एक पत्ते में 10 टैबलेट आता है, देख सकते हैं। और बात करें इसके अंदर कितनी कितनी स्ट्रेंथ में इसकी कंपोजिशन जो है, तो इसके अंदर फेरस फ्यूमरेट है ये 60 मिलीग्राम मिल जाएगा और फॉलिक एसिड जो है 1 मिलीग्राम मिल जाएगा, साइनोकोबालामिन जो है 7.5 माइक्रोग्राम मिल जाएगा, कॉपर 1 मिलीग्राम और डोकोसेट सोडियम जो है 50 मिलीग्राम जितने मिल जाएगा। और बात करें को एच बी प्लस टैबलेट की यूज और बेनिफिट्स की, तो देखिए को एच बी प्लस टैबलेट का जो इस्तेमाल है पोषक तत्वों की कमी के इलाज में किया जाता है। यह हमारे बॉडी में जो है पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है, बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है, एनर्जी के लेवल, ऊर्जा के लेवल को बढ़ाता है, आयरन की कमी को दूर करता है, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा यह जो है हमारी इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है उसको भी मजबूत करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिसके कारण आपको बार बार जो है आप बीमार नहीं पड़ते हैं, सर्दी जुखाम खांसी की समस्या जो होता है ये जल्दी नहीं होता है। इसके अलावा यह बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है सुधारता है और नर्वस जो सिस्टम है उसको भी सही करने में मदद करता है। इसके अलावा यह भूख लगाता है, अगर आपके बॉडी में कमजोरी रहती है, थकान रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नापन होता है उसको भी यह ठीक करता है। इसके अलावा यह हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, आरबीसी को बनाता है, नए लाल रक्त कोशिका है उसको बनाने में मदद करता है, खून की कमी को दूर करता है, सर्जरी या ऑपरेशन के बाद जो कमजोरी आता है, खून की कमी आता है उसको भी ये पूरा करता है, नए खून को बढ़ाता है। और जो है और तो और ये जो है आपकी जो है आपके आंतों को भी ठीक रखता है, आपके अमाशय और आंत को भी ठीक रखता है, खून की कमी दूर करता है प्रेग्नेंट महिलाओं में और लैक्टेशन में जो है खून की कमी को भी पूरा करने का काम करता है। ओवरऑल बोल सकते हैं आपकी बॉडी में हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करता है, आपको भूख लगाएगा, खून की कमी दूर करेगा, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाएगा, खून बढ़ाएगा, आरबीसी बढ़ाएगा, तो ये सारा काम करता है, तो एक तरह से बहुत ही अच्छी जो है टैबलेट है। बात करें इसको यूज मतलब कितनी मात्रा में लेना है, इसके डोज कितनी हो सकती है, तो इसे मेल या फीमेल कोई भी ले सकता है, महिला या पुरुष कोई भी ले सकता है। इसे एक टैबलेट रोज जो है खाना खाने के बाद लेना है, आप इसे खाना खाने के बाद या खाली पेट कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टैबलेट से ज्यादा एक दिन में ना ले, इसको तोड़ना नहीं है, कुचना नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है पानी से निगल जाना है। इसे कम से कम 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको 3 महीने तक यूज कर सकते हैं।
और बच्चों की बात करें तो देखिए इसे 14 साल से कम उम्र का बच्चों में यूज न करें। बात करें इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसकी बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, फिर भी जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मुंह का स्वाद खराब होना, ये सब साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। ये इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, तो आप जो है को HB प्लस टेबलेट का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर दिखाएं। और बात करें यह टेबलेट लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए इस टेबलेट का जो है बच्चों में यूज नहीं करना है, प्रेग्नेंट महिलाओं में और ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और इसका ओवरडोज नहीं लेना है, एक टेबलेट से ज्यादा एक दिन में यूज नहीं करना है। इस टेबलेट को लेने के बाद अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें सावधानी के साथ यूज करना है, या पेप्टिक अल्सर की शिकायत रहती है, गैस प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें भी जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। ओल्ड एज के जो पेशेंट है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनमें दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो है फेरस फ्यूमरेट, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, कॉपर या डोकुसेट सोडियम से किसी प्रकार की एलर्जी होता है, तो उस कंडीशन में जो है ये जो है को HB प्लस टेबलेट का इस्तेमाल न करे। तो फ्रेंड्स ये था को HB प्लस टेबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसका भी काम आ सके।